हेलो एवरीवन वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कामनी आज हम करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू द मर्चेंट ऑफ वेनिस के ये इसका पार्ट टू है पार्ट वन आपने देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप जाके देख सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकियों तक भी वीडियो पहुँच सके तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है हमारा वॉट डज शाइल सेज इज रीजन फॉर वॉन्टिंग द पोन्डस ऑफ फ्लैश ओवर थ्री थाउजेंड डुकेट्स ठीक है मतलब साइलक ने क्या रीजन दिया थ्री थाउजेंड के बदले पोन्ड ऑफ फ्लैश लेने का तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट बिकॉज ही फील्स लाइक इट तो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट क्योंकि वो इसको फील करता है इस तरह उसको फील करता है कि हाँ मुझे थ्री थाउजेंड के बजाय उसका फ्लैश लेना हो चाहिए नेक्स्ट है एंटोनियो सेज इज टू ट्राई कन्विंस साइलॉक नॉट टू टेक द पॉइंट ऑफ फ्लैश इज लाइक ट्राइंग टू आस अनदर थिंग नॉट टू डू समथिंग विच इज नॉट वन ऑफ दोज मतलब एंटोनियो कहता है कि कन्विंस करना साइलॉक को कि वो पॉइंट ऑफ फ्लैश ना ले वो किसके समान होगा इनमें से कि किस चीज़ को कहना कि वो अपना काम ना करे तो सन को कहना कि वो राउंड ना हो किसके मून के ठीक है तो मतलब साइलॉग को मनाना वो कहने के बराबर है कि जैसे सन ना घूमे मून के चारों तरफ ठीक है तो इसका ऑप्शन है फोर्थ यानी आस्किंग द सन नॉट टू ट्रेवल राउंड द मून नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थ्योरी डिड पाइथागोरस हैव दैट हैटियानो थिंग्स रिलेट टू शाइलक अब पाइथागोरस की कौन सी थ्योरी रिलेट करती है शाइलक को अकॉर्डिंग टू ग्रिटियानो ठीक है तो इसका आंसर है हमारा द ह्यूमंस एंड द एनिमल कैन स्वाप सोल यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा

की जो वर्ड है उनको नाइफ़ की तरह शार्प कर रहा है मतलब जो शाइला के एक नाइफ की तरह काम कर रहा है ठीक है तो उसका ऑप्शन है फर्स्ट ही सोल या सोल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पोर्शिया इफ यर इज अ किंग्स टेम्प्रेरी पावर व्हाट इज़ इट इंटरनल पावर अब पोर्शिया कहती है कि अगर किसी राजा का टेम्प्रेरी पावर डर है तो इटर्नल पावर क्या है इटर्नल पावर है मर्सी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेर्सी दया नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द लूप होल पोर्शिया फाइंड फॉर एंटोनियो अब पोर्शिया को एक लूप होल क्या मिलता है एंटोनियो को बचाने के लिए तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट यानी शाइलक ब्लड तो ले सकता है पोर्ड तो ले सकता है लेकिन ब्लड नहीं ले सकता तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यही उसको लूप होल मिला था नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस गिवन टू शाइलक इन द कोर्ट प्रोसीडिंग विच इज़ नॉट अब इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं दिया गया था शायलक को कोर्ट की प्रोसीडिंग के द्वारा ठीक है जब प्रोसीडिंग हो रही थी तो कौन सा नहीं दिया गया था तो इसका ऑप्शन है लास्ट ही हैज़ टू बिकम एंटोनियोज सर्वेंट ये उसको कॉन्सिक्वेंस नहीं बताया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट अ वे दैट बसैनियो ट्राइज टू टॉक द डॉक्टर ऑफ लॉ डिस्कस आउट ऑफ टेकिंग हिज रिंग एज अ पेमेंट मतलब इनमें से कौन सा तरीका नहीं है बसेनियो का डॉक्टर से डॉक्टर ऑफ लॉ यानी जो पोर्शिया आई थी उससे बात करने का जिससे वो रिंग ना ले एज अ पेमेंट ठीक है तो इसका ऑप्शन है हमारा इट्स एन हीरल ऑफ बेलमोन यानी कि फोर्थ ठीक है फोर्थ ऑप्शन है हमारा इट्स एन हीयूम ऑफ बेलमोन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ रीजन वाई ही हैड टू इन द डॉक्टर ऑफ लॉ द रिंग मतलब इनमें से कौन सा रीजन नहीं था बसैनियों को रिंग ना देने का ठीक है तो इसका ऑप्शन है फोर्थ द ड्यूक ऑर्डर हिम टू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्ड टू डिस्क्राइब अ मैन हुज वाइफ हैज़ बीन अनफेथफुल टू हिम मतलब जब अब एक वाइफ अपने मैन के तरफ अनफेथफुल हो तो उस मैन को क्या कहते हैं तो उसको हम ककोल्ड कहते हैं यानी कि फर्स्ट कुकोल्ट फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डज वट गुड न्यूज डज एंटोनियो गेट ऐट द एंड ऑफ द प्ले मतलब लास्ट में एंटोनियो को कौन सी गुड न्यूज़ मिलती है तो उसके सारी शिप्स वापिस आ जाती हैं तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट ही शिप्स केम इन फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट इज वट डज ग्रिटियानो से एट द वेरी एंड ऑफ द प्ले मतलब जैसे ही प्ले एंड होता है तो ग्रिटियानो सबसे पहले क्या कहता है तो वो कहता है दैट ही विल कीप नाज रिंग सेफ यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पोर्शिया व्हाट साइंस लाइक अ गुड डीड इन अ नोटी वर्ल्ड ठीक है मतलब पोर्शिया के अनुसार क्या शाइन करता है इस बेकार से दुनिया में तो इसका आंसर है फर्स्ट आप कैंडल वही शाइन करती है एक डीड की तरह नोटी वर्ल्ड में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा बाकियों तक भी ये वीडियो पहुँच सके तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारी डायलॉग्स की डायलॉग्स की पहले जो वीडियो मैं लेके आई थी उसमें कमेंट्स आए थे कि आप उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करो तो उसके लिए मैं काम कर रही हूँ जल्दी मैं वो वीडियो लेके आऊँगी साथ ही मैं ऑल पूरा रिवीजन का भी एक वीडियो लेके कर आऊँगी जिसमें आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट एवरी एम ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस के तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू